हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने एक नई ट्रिप की शुरुआत करी है जिसमें हम निकल रहे हैं असम की ओर गुवाहाटी की तरफ, और ये बिल्कुल अनप्लान ट्रिप है। मैं अकेला जा रहा हूँ एक फ्रेंड के साथ, और ये कल ही रात में हमारा प्लान बना है और आज हम निकल रहे हैं असम की तरफ। गोमती नगर स्टेशन जा रहा हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ चारबाग रेलवे स्टेशन पे, और मैंने रैपिडो बुक करी है, रैपिडो मेरी आ रही है, उसके बाद हम निकलेंगे गोमती नगर रेलवे स्टेशन। तो हमारे साथ बने रहिए, और इस जर्नी में आपको कवर करेंगे असम, और हो सका तो हम आसपास का काजीरंगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब एक साथ कवर करेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मिस्टर दास ट्रेवलर। जैसे कि आपको पता है कि एक अनप्लान ट्रिप थी और हमारा एसी का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया और हमें जाना भी जरूरी था, तो हमने मजबूरी में जनरल डिब्बे में सफर किया। तो जैसा कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है जनरल डिब्बों का बुरा हाल, बैठने की जगह नहीं है, खड़े नहीं हो सकते हैं, हमारे साथ बिल्कुल अपोजिट हुआ। हम ट्रेन में एंटर करे, हमें बैठने की भी जगह मिल गई, और हमारे आसपास के लोग भी बहुत ही अच्छे नेचर के थे और फ्रेंडली नेचर के थे। और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन चल पड़ी, और रास्तों को देखते देखते मुझे याद आ गई अपने बचपन की, जब हमारे पास थोड़े कम पैसे हुआ करते थे और हम ज़्यादातर जनरल में ट्रैवल किया करते थे। बट उस समय बहुत ही मज़ा आता था जनरल में ट्रैवल करने में, और उतना मज़ा आज मुझे आ नहीं रहा। तो क्या आपके साथ भी ऐसी कोई जर्नी है ट्रेन की, तो आप ज़रूर से कमेंट में शेयर कर सकते। दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 5 और हम पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। हम लोग को टिकट नहीं मिला था, तो हम लोग ने इसमें ये जनरल डिब्बा है इसमें हम लोग ने ट्रैवल किया है, और सीटें तो मिल गई थी हम लोग को। और आगे चलते हैं और घूमते हैं फिर पूरे असम को। ये सुबह सुबह खूबसूरत ठंडी हवाएँ चल रही हैं और बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है। दोस्तों अभी बज रहा है दोपहर का 2:30 और हम पहुंच गए हैं कामाख्या रेलवे स्टेशन। अब हम चलते हैं रूम में चेक इन करते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करके इवनिंग में कोशिश करेंगे घूमने की असम को। अभी चलते हैं रूम की तरफ, और जर्नी बहुत टायरिंग थी तो थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आगे घूमेंगे। अभी हम रेस्ट करने के बाद निकले हैं कुछ डिनर करने, और ये है हमारा होटल पीछे, होटल चाणक्य, और जा रहे हैं डिनर करने और फिर वापस आएंगे। और हम इस प्योर वेज रेस्टोरेंट में आके बैठ जाते हैं और हम यहाँ पे अपना ऑर्डर करते हैं अपनी थाली। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 80 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ के अंडर 100 रुपीज़ में आपको थाली मिलती है जिसमें आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं, जिसमें ये लोग राइस, एक सूखी सब्जी, एक रसे वाली सब्जी और दाल और पापड़, बहुत सारी चीज़ें देते हैं और आप अनलिमिटेड खा सकते हैं, आप जितना चाहे जब तक आपका पेट ना भरे। खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं कुछ मीठा खाने के लिए, क्योंकि हमें मीठा खाने का मन हो रहा होता है, तो हम रसमलाई खाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।